हमारी पेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, हम लोग फिर से खेलने आ चुके हैं फार्म टुगेदर। और गाइस रात तो भाई हद हो गई, मतलब हम लोग एकदम से रात के टाइम पर सो के उठे हैं भाई साहब। यार ये भी कोई टाइम है सो के उठने का, और सूजी हम लोग अभी तक बना भी नहीं सकते हैं भाई साहब। यार काफ़ी सही बात, मतलब देख रहे हो भाई अपने पास वीट की यार काफ़ी गंदी कमी पड़ रही है। तो अभी ना गाइस एक काम करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले बाहर चलने हैं और सबसे पहले इन सब के लिए मुझे वीट लाने हैं। वैसे मछलियाँ अपने पास काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि सूजी बनाने के लिए मछली और वीट दोनों लगते हैं। और वेट, मुझे यहाँ पर सबसे पहले आकर के ना यहाँ पर जो क्वेस्ट वाले पेड़ चल रहे हैं उसे यहाँ पर सबसे पहले कलेक्ट कर लेने दो, फिर ना गाइस मैं आप लोग को आगे की यहाँ पर प्लानिंग एक्सप्लेन करता हूँ। वेट यार मैं उतर क्यों रहा, मुझे कैमरा एंगल यहाँ पर बदलने। आई थिंक यार मुझे यहीं वाले पेड़ को कलेक्ट करना है। हाँ यार मुझे एग्जैक्टली यहीं वाले पेड़ को कलेक्ट करना है। फटाफट से इन सबको यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ना गाइस मैं आप लोगों से कुछ कुछ प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा ऐसा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और फटाफट से इन सबको यहाँ पर कलेक्ट हो जाने दो एक बार, फिर मैं आप लोग को बताऊं कि अब जो है अपने फार्म पर यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो गाइस यार अब भी ना ये सारे प्लांट अपने से कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कनेक्ट नहीं कलेक्ट हो चुके हैं। तो अब एक काम करना है मुझे सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पर जितने सारे सूजी के लिए आइटम लगते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार इनके बिना भाई सूजी नहीं बनती है। और सूजी से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है टिकट का, तो अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टिकट चाहिए अपने पास। यहाँ पर चेकआउट कर लो आप लोग, मेरे पास जितने भी सारे रिसोर्स हैं ना यहाँ पर, हर एक ए टू जेड रिसोर्स, वो यार अपने पास ज़्यादा ही है। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। तो अभी ना गाइस करना ये है कि मुझे यहाँ पर टिकट को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कलेक्ट करना है, काफ़ी हद तक उसका स्टॉक यहाँ पर करना है। और उससे आप लोगों ने, आधे लोगों ने गेस कर लिया कि मैं उससे क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने गेस अभी तक कर लिया तो ठीक बात है, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो मैं आप लोग को बता देता, क्योंकि यार आप लोग समझ ही जाओगे वैसे भी। तो मैंने कहा यहाँ पर अब बारी है घर को डेकोरेट करने की, अपने जो घर वगैरह सब होने वाले हैं वो सारी चीज़ों को डेकोरेट करने की अब बारी आ चुकी है। तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा अपने घरों को यहाँ पर डेकोरेट करूँ। तो उसके लिए मुझे गनेई टिकट चाहिए, और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वीट को कलेक्ट कर लिया था। तो अभी ना गाइस मुझे आई थिंक यार फिश कलेक्ट करने चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर फिश को यहाँ पर कलेक्ट करना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिश अपने पास काफ़ी ज़्यादा है। तो फटाफट सबसे पहले इस वाले घर में चलते हैं। और गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अभी मेरा क्या प्लान है, मतलब अभी जो मेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़े ना वो किस चीज़ को लेकर के है। तो सबसे पहले यहाँ पर सूजी बनने के लिए डाल देते हैं, और दूसरा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस एक बात देख रहे हो, अचानक से अपने घर में यहाँ पर सूजी की कमी पड़ गई थी, मतलब सूजी की नहीं वीट की कमी पड़ गई थी। आखिर सारे वीट गए कहाँ, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे वीट गए कहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, सारे वीट कहाँ गए। तो आधे मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, आप लोग को पता है कि इन सारे घरों में यहाँ पर खाना पीना बनाया करता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले इन सारे घरों में भी यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर ये लगा दिया था, मतलब ये जो आप लोग ओवन देख रहे हो, हर एक के घर में हर एक तरह की ओवन है, तो मैंने ओवन को इस तरह से यहाँ पर लगा दिया था। तो उसके लिए ना गाइस मतलब यहाँ पर मैंने सोचा यार, मैंने लगा तो दिया था बटर में, तो इसमें खाना पीना बना ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार अब इसमें बारी आ चुकी है खाना पीना बनाने की, क्योंकि अपने पास हर एक रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी है। अब अगर मैं कुछ काम नहीं भी करूँ ना, फिर भी यार अपने पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा रहने वाले यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे हर एक घर में जाकर के इन सारे जितने सारे आप लोग यहाँ पर खाना पीना मत देख रहे हो, सबको मुझे यहाँ पर बनाने हैं। और मैं एक एक करके मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक हर एक घर में यहाँ पर खाना पीना बना रहा हूँ। बटर अपना कासल यहाँ पर लास्ट टाइम रह गया था, तो फटाफट से इन सब में भी यहाँ पर खाना पीना डालते हैं, मतलब मैं काफ़ी हद तक यहाँ पर खाना पीना बनाने वाला हूँ, उस पर यार अपना पूरा जोर लगने वाला है। और वेट, अपने पास यहाँ पर वीट की काफ़ी गंदी कमी पड़ रही है, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर देख लो, मतलब यार अभी आप लोग यहाँ पर देखो ये ना गाइस, मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अगर मैं वीट कलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा तो वक्त लगने वाला है वीट के लिए स्पेशली। तो मुझे ना गाइस बाकी सारे घर को इसी तरह छोड़ना पड़ेगा, मतलब अगर मैं अभी चाहूँ भी ना तो सारे सीलों से वीट कलेक्ट करके हर एक घर में एक साथ तो खाना बनने के लिए नहीं दे सकता, इतना बात अपनी फिक्स हो चुकी है। तो अब ना गाइस मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, मैं चाहता हूँ कि अपने पास इतने सारे वीट हो जाए जो यार खाना बनाने में उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और वेट, मुझे यहाँ करके क्या करने थे, मैंने यहाँ पर कुछ तो देखा था, तो हाँ यार मुझे इस डायरेक्शन में कहीं चलने हैं अपने जस्ट पीछे के साइड पर, और वहाँ पर ना गाइस एक प्लांट को कलेक्ट करके लाने हैं। वेट यार कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला था, नहीं यार मैं गलत डायरेक्शन में नहीं चल रहा हूँ, मैं सीधे इधर के साइड पर चलता हूँ। और वेट 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 भाई यार, वो वाले प्लांट यार देखे ना मैंने, है कहाँ पर है भाई, यार ये तो मैंने काफ़ी हद तक उधर छोड़ रखा है। तो फटाफट से मुझे इधर के साइड पर चलना है, मुझे इसके लिए कैमरा एंगल भी बदलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये इतने छोटे से प्लांट है कि दूर से ही दिख जाते हैं, और ये बगल में ही है तो मैं बिना कैमरा एंगल बदले इसे यहाँ पर कलेक्ट कर सकता हूँ।
तो फटाफट से इनको यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मेरे से 160 भाई साहब, यार यार देख रहे हो भाई, मतलब प्लांट की कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इसको कलेक्ट करने के लिए मुझे 2 सीजन यहाँ पर वेट करना, वेट नहीं मतलब 2 सीजन लगेंगे इसको यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। तो एक सीजन तो अपना ये रहा, और इसके बाद जो सीजन आएगा इनके, तो उस सीजन में हम लोग इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और इसी बहाने अपना यहाँ पर क्वेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वेट यार, यार मैं आज भी वही गलती किया, मुझे ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। मुझे ना एक काम करना पड़ेगा, मैं सीधे चलता हूँ अपने एनिमल वाले सेक्शन में, और यहाँ पर ना जितने सारे एनिमल अपना यहाँ पर बाकी है उन सबको मुझे यहाँ पर खाना पीना देना है। मतलब यार काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर खाना पीना इनको खिलाने पड़ेंगे, तब जाके यार ये लोग अपना सामान यहाँ पर देने वाले हैं। आई थिंक यार मुझे ये वाले बत्तख को खाना देने हैं, एग्जैक्टली मुझे यहीं वाले बत्तख को यहाँ पर खाना देने हैं। भाई साहब यार इनकी फूड ट्रेन यार काफ़ी गंदी यहाँ पर हो चुकी थी, और लास्ट टाइम मैंने इसे यहाँ पर खाना दिया भी नहीं था। तो फटाफट से इन सारे बत्तखों को यहाँ पर खाना पीना मत देते हैं, ताकि हम लोग अगर उधर बाकी काम में बिजी रहे तब तक यार इनका भी काम यहाँ पर चलता रहे। तो कुछ इस तरीके से अपना प्रॉपर प्लान यहाँ पर होने वाला है। तो यार मैंने यार आज पता नहीं यार कैसे ध्यान नहीं दिया, बट यार खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अपने सारे सारे एनिमल को यहाँ पर खाना दे देंगे। अभी भी यार उतनी लेट हुई नहीं है, फटाफट से मैंने डक को यहाँ पर खाना दे दिया। और यहाँ पर अपने क्या बाकी है, आई थिंक यार अभी अपने यहाँ पर चिकन बाकी है। तो फटाफट से मैं इधर के साइड पर चलता हूँ, और ये रहे अपनी सारी सारी चिकन, जो कि मुझे नहीं यार ये वाले चिकन को नहीं देने थे, आई थिंक यार मुझे ये वाले चिकन की रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट से इनको भी यहाँ पर खाना पीना मत दे देते हैं, और इनको खाना देने के बाद इनके फीडर को भी फुल कर देंगे। और बगल में जो आप लोग टर्की देख रहे हो, एक स्पेशल वैरायटी की टर्की है, बट यार मुझे नहीं पता वो टर्की आखिर एग्जिस्ट करती है भी या फिर नहीं करती है, या फिर करती थी भी या फिर नहीं करती है, वो भी मुझे नहीं पता। तो क्या यार कितनों लोगों को लगता है कि टर्की अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो लोग यार मुझे कमेंट में जरूर बताना। मतलब मैंने तो यार अभी तक ये जान रहा हूँ कि एक मिनट भाई, इसे तो यहाँ पर वीट लगते हैं, तो यार इनका काम तो यहाँ पर फिलहाल तो होगा नहीं। मतलब वह यार मतलब वीट का इशू थोड़ा बहुत यहाँ पर हो रहा है, और आई थिंक यार अगर मैं इससे यहाँ पर नहीं यार इसको भी यहाँ पर वीट ही लगने वाले हैं। यार ये गन ही दिक्कत है भाई, यार वीट के चक्कर में भाई ये लोग खाना पीना खाना छोड़ रहे हैं। तो अभी ना गाइस मुझे वीट का यार कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो यार ऐसे में अपना काम यहाँ पर होने वाला है नहीं। एक तो यार एनिमल को तो यहाँ पर वीट देना ही पड़ते हैं, एनिमल नहीं मतलब बेसिकली बर्ड को, एनिमल को, किसी को भी मुझे यहाँ पर खाना देने ही पड़ते हैं। और ऊपर से गाइस मुझे यहाँ पर अपने घर में खाना भी तो बनाना है, उसमें तो यार वीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई थिंक यार मुझे ये वाले रैबिट को कलेक्ट करना है, या फिर कोई और नहीं यार इस वाले रैबिट को तो नहीं करने हैं, ये ब्लैक वाले जो रैबिट है मुझे इसको कलेक्ट करने हैं। फटाफट से यहाँ पर जितने सारे रैबिट को हो पाते मैं खाना पीना मत देता हूँ, और आई थिंक यार इसका काम इतने में हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर इसी तरह छोड़ देते हैं, और बाकी मैं ये सारे रैबिट को, एक मिनट यार ये सारे रैबिट का भी यहाँ पर क्वेस्ट में आ रखा है, बट यार मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इन सारे रैबिट को यहाँ पर चाहिए कितना सामान, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर खाना पीना देने वाला हूँ। वैसे यार यहाँ पर मैं खाना तो दे रहा हूँ, बट यार उससे अपने को कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा, क्योंकि यार अपने पास पैसे यार काफ़ी हद तक यहाँ पर हो चुके हैं कि मैं हर एक एनिमल को चाहूँ तो एक साथ भी खाना खिला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ कि ये वाली रैबिट है, वैसे इस रैबिट का नाम यहाँ पर क्या है। तो ठीक है यार मैंने यहाँ पर नाम पढ़ लिया है, और यहाँ पर मुझे ये वाले रैबिट 70 चाहिए, और यहाँ पर काश कि मैं 70 दे पाऊँ। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो भाई मैं 70 दे सकता हूँ, क्यों नहीं भाई, यार अपने पास तो है उतने सारे रैबिट। तो फटाफट से इनको यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितने सारे रैबिट लगेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग 70 के 70 यहाँ पर रैबिट दे करके रहेंगे। और आई डोंट वेट भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर 70 दे ही ना पाऊँ। भाई साहब यार आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर 70 दे सकता हूँ, यार काश कि यहाँ पर 70 हो जाए फिर यार अपना काम, यार थोड़े से बस यहाँ पर रह गए। मतलब अंदाज़ा देख रहे हो भाई, अपना अंदाज़ा यहाँ पर फेल हो चुका है, मुझे यहाँ पर 70 चाहिए थे बट यार मैंने उतने दे भी नहीं पाए। तो खैर यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। और भाई साहब यार यहाँ पर बारिश हो रही है, और पता नहीं यार मुझे स्क्रीन थोड़ा सा अजीब दिख रहा था। तो खैर यार छोड़ो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम यहाँ पर होती रहती है। तो अभी मैंने इनको यहाँ पर खाना दे दिया, और ये 1 घंटे बाद हम अपना सामान दे देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो अभी ना एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं चलता हूँ बकरी को मैंने चारा तो डाल दिया था, लेकिन मैंने अभी तक इसको कलेक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे यार ये सारी चीज़ें भी तो कलेक्ट करनी है, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं इस मौसम में यहाँ पर कुछ लगा सकता हूँ। वैसे मैंने बैंगन लगा दिए थे, और मैंने ये भी तो नहीं लगाए थे भाई साहब यार। तो अभी ना एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने ट्रैक्टर निकाल लेते हैं, मैं ये लगा देता हूँ, और इसको यहाँ पर लगाते चलते हैं। भाई साहब मैंने ये सारी चीज़ें यार मिस कैसे कर दी, ये तो अपने पालक है भाई। तो मुझे बेसिकली पालक जो है वो यहाँ पर 190 लगाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यहाँ पर चलते फिरते लगा देंगे। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो जो चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है वो हर एक चीज़ यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और अपने पास यहाँ पर यार अभी तो नहीं हुए, मुझे और भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और अच्छा हुआ कि यहाँ पर बारिश का सीज़न हो रहा है, मतलब अगर बारिश का सीज़न हो रहा है ना तो इसको यार रेडियो टाइम काफ़ी हद तक यहाँ पर मिलने वाला है,
और काश यार इतने सारे रेडियो स्टेमिने मिल जाए, मतलब मजे ही आ जाएंगे। तो खैर वो सारे बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग अपने काम पर यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। और वैसे हाँ यार, वो भी तो काम की बात थी, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर 135 हो चुके हैं, तो अभी मुझे यहाँ पर और भी लगाने, बस थोड़े से और लगाने, फिर अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने सीख गया। और अगर आप लोग यहाँ पर सोचो, अगर मैं ट्रैक्टर से नहीं लगा करके इसे मैनुअली लगा रहा होता, फिर यहाँ पर क्या ही सीन था अपना। तो खैर अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है, हम लोगों ने उतने लगा दिए जितने हमें यहाँ पर लगाने थे। और आई डोंट थिंक कि अभी मुझे और भी कुछ यहाँ पर लगाने, मतलब यार मैंने इसे ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं तो यार कोशिश किया था कि हर एक चीज़ यहाँ पर लगाते हुए चलो, मैंने यहाँ पर पीस भी लगा दिए। और एक मिनट भाई, बस यही चीज़ यहाँ पर बाकी रह गई थी, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर कर ही लिए थे। तो फटाफट से यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर अपने जितने सारे बकरियाँ हैं, मुझे सारे सारे बकरियों को यहाँ पर मतलब कलेक्ट करना चाह रहा था, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो फटाफट से ट्रैक्टर निकाल करके यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई साहब मुझे इससे यहाँ पर 110 कलेक्ट करने हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब मुझे एक सेक्शन छोड़ के बाकी सारे सारे सेक्शन में यहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं, फिर अपना यहाँ पर 110 हो जाएगा। लेकिन मैं तमीज़ में यहाँ पर 110 करने वाला हूँ, तो जितनी सारे यहाँ पर बकरियाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं उतनी सारी बकरियाँ यहाँ पर कलेक्ट करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं एक भी यहाँ पर कलेक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 99 हो चुके हैं, और अगर मैं अब भी यहाँ पर कलेक्ट करूँ तो अभी नगर मुझे तमीज़ में यहाँ पर बस दो ही बकरी उखाड़ने हैं, तो मैं इसे उखाड़ लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे, वेट भाई यार, मैंने अभी इसके दूध उखाड़े, बढ़िया रहा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यार इसे एनिमेशन में क्यों नहीं दिख रहे थे। तो खैर पता नहीं यार, ऐसी दिक्कतें यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर मैंने बकरियों को कलेक्ट कर लिया, अब बारी अपने गधों की। वैसे अब मैं गधों को इज्जत देने लग गया, क्योंकि अब यार हम अमीर हो चुके हैं, अब यार मैं इनको खाना दूँ तो मतलब अपना कुछ ज़्यादा कुछ खास जाता है नहीं। तो गधे यहाँ पर आई थिंक यार ये वाले गधे हैं, तो फटाफट से इसके थ्रू यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मुझे बस भाई 20 ही चाहिए थे भाई साहब यार। और मैं दोबारा से यहाँ पर तमीज में बस दो ही गधे यहाँ पर कलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने इनको टुगेदर, इनका एनिमेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इनका एनिमेशन यहाँ पर हो रहा था, बट यार बकरियों का एनिमेशन यहाँ पर हो ही नहीं रहा था। तो खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। तो अपना इतना काम यहाँ पर अब हो चुका है, तो अब ना गाइस मुझे सीधे चलने हैं फिश के पास, और यहाँ के जितने भी सारे फिश वगैरह सब है, मतलब बेसिकली एक ही फिश मुझे यहाँ पर कलेक्ट कर देते। तो फटाफट से यहाँ पर एक फिश नहीं बल्कि एक कैटेगरी के फिश यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ से जितने सारे फिश हो पाते हैं मैं सबको यहाँ पर कलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस आई थिंक यार मुझे 90 चाहिए, और इसे कलेक्ट करने के बाद भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सही सीन होगा कि अपना यहाँ पर क्वेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो कहते ये तो काफ़ी सही बात हो गई, और काश कि यार अपना क्वेस्ट इतने में यार हो ही जाएगा, आई थिंक यहाँ पर हो जाना चाहिए। और अपने को यहाँ पर एक और फिश यहाँ पर कलेक्ट करने हैं, और साथ ही साथ एक एनिमल भी चाहिए। और वेट यार, इन्होंने यहाँ पर देखने भी नहीं दिया भाई साहब, अगर थोड़ी सी यहाँ पर देखने देते भाई तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तो अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर जो फिश यहाँ पर कलेक्ट करने हैं, आई थिंक यार ये वाले, तो मैं ये वाले टेलीपोर्टर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और सीधे चलते हैं फिश वाले फार्म की तरफ, और मुझे सामने में यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो फटाफट से ये सारे सारे फिश को मैं कल, वैसे ये फिश तो नहीं है बट यार ये समंदर में रहते हैं, तो इसे फिश कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। और यार इसकी कैचिंग रेट यार इतनी ज़्यादा सही है भाई साहब, ये तो अभी कभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, तो यार इसका तो कोई इशू होगा नहीं, मतलब मुझे बाद में यहाँ पर इसे कलेक्ट करने की कोई भी इशू नहीं रहेगी। तो फटाफट से इनको मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। और वेट, अभी जो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, क्या इसका सीजन यहाँ पर, एग्जैक्टली इसका सीजन यहाँ पर चल रहा है, तो सीजन रहते ही मैं सो रहा हूँ कि इसे भी यहाँ पर लगा दो, क्योंकि यार एक बार यहाँ पर सीजन बीत जाता है ना तब यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। तो फटाफट से इनको हमें लगाना शुरू करता हूँ, और ये हमसे बस 90 मांग जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे बस यहाँ पर 10 स्टेप लगाने हैं, तो 9 × 10 यहाँ पर 90 हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सही बात हो जाएगी। और इनको भी यहाँ पर रेडियो स्टार मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बारिश का सीजन गया नहीं है। वैसे बारिश का जो मौसम आता है ना, तो वो भाई सब एक मौसम के लिए रहता है, मतलब यार एक मौसम इसको रहना ही रहना है। और अपने यहाँ पर मैंने लेवल अप भी की थी, और अपनी लेवल यहाँ पर 116 हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर आखिरी वाली लगा दी है, और अपने यहाँ पर 90 हो चुके हैं, तो अभी मुझे एक और, तो क्या सर मुझे बेसिकली ये देने हैं। और ये भाई साहब यार अपने सामान यहाँ पर दे करके पहले से पड़े हुए, इन्होंने पहले कह दिया था कि भाई तू आ और मेरे को कलेक्ट करके ले जा। तो खैर जब इनका ऐसा कहना ही है तो आते हैं, और सीधे इनको कलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ, और आई थिंक यार मुझे बस 20 कलेक्ट करने हैं, नहीं यार 20 नहीं 10 कलेक्ट करना है। तो मैं हिसाब से यहाँ पर बस एक ही करने वाला हूँ। और क्या ये इनकी एनिमेशन, हाँ यार इनकी एनिमेशन तो यहाँ पर बन रही थी, बट यार गॉड की एनिमेशन यहाँ पर बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा सोच रहा हूँ कि लगे हाथ इनको यहाँ पर खाना पीना तो इनके पास फुल है यहाँ पर, तो इनके फीडर को यहाँ पर फुल कर देते हैं। और जितने सारे यहाँ पर डियर को मैंने कलेक्ट किया है, तो वो सारे डियर दोबारा से यहाँ पर रिचार्ज हो जाएंगे। तो क्या ये भी ना काफ़ी ज़्यादा प्रो वाली बात, मैं इसको मतलब बिना किसी नुकसान के मैंने अपने यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर टाइम का नुकसान हो जाता है, तो मैंने बिना टाइम नुकसान के यहाँ पर अपना काम भी निपटा लिया।
और इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर खाना दे रखा है और ये वाले रैबिट अपने आ रखे हैं। तो अभी ना गाइस मुझे चल करके ये वाले रैबिट को गलत डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये सारे रैबिट को यहाँ पर मुझे कलेक्ट करने हैं। तो फटाफट से इधर के साइड पर आ जाते हैं, और ये वाले तो रैबिट नहीं थी, आई थिंक यार ब्लैक वाले रैबिट थे अपने। तो फटाफट से इन सारे सारे ब्लैक रैबिट को यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हेड काफ़ी ज़्यादा सही सीन हो जाएगा। तो फटाफट से इनको मैं यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने यहाँ पर 90 के 90 मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेट यार, इसको कलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पर एक क्वेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि यार काफ़ी हद तक सही बात है भाई साहब यार। तो फटाफट से यार इनको यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं 90 तो हो पाएंगे अपने, हाँ यार 90 डेफिनेटली हो पाएंगे, मैं इतना सोच भी रहा हूँ। तो 90 यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ तमीज़ में चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, तो खैर वो सारी चीज़ें तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यार 90 जो है 9 से डिविजिबल हो जाते हैं। फटाफट से इनको लेते हैं, और यहाँ पर मुझे कैरोब ट्री चाहिए और ईमो चाहिए। तो ईमो ने गाइस यहाँ पर मुझे 150 मांग रहे हैं, और कैरोब ट्री जो है वो मुझे 300 मांग रहे हैं, और यहाँ पर मैं कैरोब ट्री दे सकता हूँ। तो मैं ये वाली टेलीपोर्टर यूज़ करूँ या फिर ये वाली, आई गेस मुझे ये वाली करनी चाहिए। और अगर मैं भाई साहब इससे पहले यहाँ पर, यार मौसम तो वैसे बदलने वाले है नहीं, मैं यहाँ पर कैमरा एंगल बदल लेता हूँ, और मुझे किस डायरेक्शन में यहाँ पर चलना है, आई थिंक यार उधर के डायरेक्शन में कहीं चलना है, तो उधर ही अपने कैरोब ट्री यहाँ पर होने वाले, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो फटाफट से उधर हम लोग चल लेते हैं भाई साहब, देख रहे हो भाई मतलब किस घने जंगल में हम लोग आ गए, मतलब यार इधर आने की यार वाइब्स ही अलग होती है। और वेट भाई, कहीं मैं गलत डायरेक्शन नहीं यार, मैं एकदम से करेक्ट डायरेक्शन में हूँ, और ये रहे अपने सारे सारे कैरोब ट्री। मतलब अगर मैं यहाँ पर कैमरा एंगल बदला ना, तो भाई साहब अभी के टाइम पर यहाँ पर गलत ही वाइब्स आने वाले हैं। एक तो यार बारिश का सीज़न है, और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अंधेरी रात भी है। मैं आप लोग को अभी ना कहीं यहाँ पर कैमरा एंगल बदल के दिखाने वाला कि ये भाई साहब यार दिखते कैसे, मतलब वेट यार थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लो, बस मुझे ये कैरेक्टर यहाँ पर कलेक्ट कर लो, फिर यार मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ भाई क्या अलग ही वाइब्स यहाँ पर आती है। तो अभी मुझे यहाँ पर 300 चाहिए ना, तो अभी यार अभी तो अपने यहाँ पर इतने हो भी गए, मतलब 100 तो यार अभी हो जाएंगे। तो मुझे बेसिकली इनको यहाँ पर 3 बारी कलेक्ट करने हैं, और फिर ना गए 3 बारी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना काम यहाँ पर आई थिंक यार नहीं यार हो तो जाना चाहिए, मतलब हो ही जाएगा अपना। और अब ना गए मैं आप लोग को यहाँ पर कैमरा एंगल बदल के दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, देख रहे हो भाई मतलब भाई एक अलग ही वाइब यहाँ पर आ रही है, इतने घने घने जंगल में, वो भी हम लोग अकेले, और ऊपर से अपने पास ये ट्रैक्टर। अगर मैं ट्रैक्टर को यहाँ पर बंद कर लूँ ना, तो गाइस अभी आप लोग देख लो भाई, मतलब भाई साहब यार थोड़ी सी यहाँ पर और, भाई साहब ये मैं किस मैजिकल वर्ल्ड में आ गया, यहाँ के भाई अलग ही वाइब्स है। तो मैं इस मैजिकल वर्ल्ड से निकल करके दोबारा से वहीं खंडर में चलना चाहता हूँ, मतलब खंडर वाली वाइब्स में चलना चाहता हूँ, ताकि थोड़ी सी ड्रावनी वाइब्स मिल सके भाई साहब यार, मतलब यार अलग ही है भाई। आप लोग यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो यार, मुझे इसके बारे में भाई कुछ बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यार। देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पर, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मतलब यार ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं पर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है, और मैं इस जंगल में कहीं खो चुका हूँ। और वेट भाई, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे यार सबसे पहले यहाँ से निकलने हैं, और मुझे कहाँ जाने थे कहाँ जाने, यार मैं भूल भी गया कि मुझे यहाँ पर जाने का थे, मुझे ईमो के पास चलने थे। और अभी ना गाइस अभी आप लोग टेक्निक देखो, मैं 2 बारी में अपने ईमो को यहाँ पर कलेक्ट कर दूंगा, तो ये रहे अपने ईमो। तो अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर 50 कलेक्ट करने हैं, और फिर ना गाइस अभी आप लोग देखना, मुझे बस यहाँ पर 50 कलेक्ट करने दो, और उसके बाद में वैसे अगर मैं 50 नहीं भी कलेक्ट करूँ, बस मैं 42 यहाँ पर अगर मैं कलेक्ट कर लूँ ना, तो उससे यार अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर 42 कलेक्ट करने वाला हूँ, वैसे यहाँ पर 45 हो चुके हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एज इट इज रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 45 तो कलेक्ट कर लिया, बट यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ना गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको यहाँ पर खाना पीना मस्त दे दूँगा। और गाइस काफ़ी टाइम हो गया जो हम लोगों ने अपने पपी को नहीं लाया, जो कि अपने प्यारे से पपी थे उसे मैंने नहीं लाया, और यहाँ पर मैं इवेंट वाले पेट को ही लेकर के घूम रहा हूँ। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यार इनके भी तो यार भाई अलग ही ड्रामे हैं, मतलब इनको भी यहाँ पर वीटी चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा तुम लोग का फीडर फुल करने के लिए, तो यहाँ पर वेट करना। तो गाइस इतना काम यहाँ पर अपना हो चुका है, तो अपना गाइस अब जो अपने को यहाँ पर काम करना है। और वेट यहाँ पर भाई मैंने कुछ कुछ लगा रखे हैं भाई, यार यहाँ मैंने कुछ भी क्यों लगाए होंगे, वेट यार यार मेरे तो भाई समझ में आ नहीं रहे भाई, यार मैं यहाँ पर क्यों ही लगाऊंगा, एक मिनट भाई। तो यहाँ पर ना भाई साहब ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अभी ना गाइस मुझे का वही मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पर आखिर ऐसा क्या होगा जो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। तो अभी इसे इसी तरह रहने थे, सबसे पहले अपने काम पर यहाँ पर ध्यान दे लेते कि हमें यहाँ पर क्या काम करने चाहिए। आई गेस मुझे यहाँ पर आकर के अपने जितने सारे पीस हैं मुझे इनको सबसे पहले कलेक्ट करना चाहिए, और फिर मैं आप लोग को यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं और भी, मतलब मेरे यहाँ पर और क्या क्या प्लान्स हैं।
तो फटाफट से ये सारे सारे पीस को मैं कलेक्ट कर, जो कि हमसे यहाँ पर 16 मांगे जा रहे हैं, और इनको कलेक्ट करने के बाद अपना जो क्वेस्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर अपना क्वेस्ट ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई चिकन का भी अलग ही ड्रामा है। वैसे हमसे चिकन यहाँ पर 30 ही मांगे जा रहे हैं, अगर अपने पास यहाँ पर 30 चिकन का अरेंजमेंट हो जाए फिर तो यार बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखने वाला कि अपने पास यार चिकन है कितने, और अगर मैं इधर चलो, नहीं यार 30 चिकन तो नहीं हो पाएंगे, आई गेस यार और भी लगने वाले हैं, तो 30 तो अपना हो जाए ज़रा, तो 30 में अपने काम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो अब भी मैं इधर के साइड पर चलता हूँ, वेट 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 भाई मैं डायरेक्शन भाई क्यों भूल जाता हूँ, मुझे इधर के साइड पर कहीं चलने हैं, और यहाँ से यार कहाँ गए अपने भाई। तो ये रहे अपने सारे सारे एग प्लांट, तो मुझे ये सारे सारे एग प्लांट को कलेक्ट करने हैं, और फिर ना गाइस एक मिनट मुझे ये भी चेकआउट करने के, क्या मैं इस मौसम में यहाँ पर कुछ लगा सकता हूँ, नहीं यार वहीं बेकार से बेकार चीज़ें मैं यहाँ पर लगा पाऊँगा। और इसे यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद क्या अपना यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट होगा, नहीं यार अभी भी अपना यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बस अपना यहाँ पर काम कर लेते हैं ताकि कुछ हद तक यहाँ पर अपना काम शॉर्ट हो सके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितने सारे अपने ये बैंगन देख रहे हैं आप लोग, मुझे इन सारे सारे बैंगन को यहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस यार फाइनली मैंने यहाँ पर जितने सारे काम की चीज़ें मुझे लगाने थे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी है, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि यार ब्लैक टुलिप भी आ रखे हैं और ये सेफ्रॉन भी आ रखे हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पर कलेक्ट करते चलूँ लगे हाथ। तो इतना काम यहाँ पर अपना हो चुका है, तो अब ना गाइस अभी यहाँ पर अपने सारे सारे काम यहाँ पर निपट चुके हैं, बस यार ये फ्लावर रह गया था। तो अब भी ना गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो फ्लावर है अपने इनको यहाँ से कलेक्ट कर देते हैं। वैसे मुझे यही चाहिए थे, हाँ यार यही मुझे चाहिए थे, और ये हमसे यहाँ पर 190 मांगे जा रहे थे, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे यहाँ पर कलेक्ट करके रखे हुए थे, तो अब मुझे यहाँ पर बस 90 देने, मतलब 10 या हाँ यार 10 ही लगने वाले हैं, फिर अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। तो फिलहाल लगा यहाँ पर अपना काम यहाँ पर हो चुका है, और वेट भाई साहब यार ये तो भाई कुछ गलत ही आइटम इन्होंने यहाँ पर मांग लिया यार, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये बैचेस कितना दे रहे हैं। नहीं यार मैं तो भाई इतने सारे प्लांटेशन यहाँ पर अभी करने वाला हूँ नहीं, और अभी ये लोग क्या मांग रहे हैं, तो अभी मतलब अभी ठीक है, मतलब चलने लायक है, तब ये लोग कोई प्लांट हमसे मांग रहे हैं जो कि आई गेस मैंने लगा भी रखे या फिर नहीं लगा रखे। मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर तो मेरे को दिख नहीं रहे, आई थिंक यार ये रहे, हाँ यार यही तो है, बट यार मैंने, हाँ यार इसे तो यहाँ पर मैंने लगा रखा, इसे भी लगा रखा है, बट यार ये जो मांग रहे हैं वो क्या चीज़ है, तो वो यही चीज़ है जो कि मैंने ऑलरेडी 108 लगा रखे हैं और वो यहाँ पर है, तो जब ये आएंगे तब मैं इसे कलेक्ट कर दूँगा। फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है मैं यहाँ आकर के इसे कलेक्ट करूँ, और आई थिंक यार अब भी यहाँ पर आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो अपने जितने भी सारे सीलों के आइटम हैं वो सारे सारे यहाँ पर आ रखे होंगे, और अब भी ना गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप लोग को अभी बताना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना कि यहाँ पर अपने जितने सारे एनिमल को खाना कम हुई थी, तो मैं उन सबको सबसे पहले यहाँ पर खाना पीना दे देता हूँ ताकि वो लोग अभी खाते पीते रहे मस्त, और जिस जिस घरों में मैंने यहाँ पर खाना नहीं बना पाया था तो वो सारे घरों में मैं खाना पीना भी मस्त डाल दूंगा बनने के लिए, तब यार इस तरीके से अपना काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, मतलब होना चाहिए यार ऐसा, आई थिंक यार ऐसा ही होना चाहिए। और अपने पास फीस की तो कमी नहीं पड़ी ना, नहीं तो यार ऐसे में दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फीस की यार कमी नहीं होनी चाहिए, आई गेस अपने पास फीस काफ़ी हद तक है। तो अभी यार अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर चल करके यहाँ पर जितने भी सारे बर्ड्स वगैरह सब है, एनिमल वगैरह सब, मुझे उनको यहाँ पर खाना पीना दे करके उसको वीट भी खिलाने हैं, तो फटाफट से इनको यहाँ पर खाना देते हैं। वैसे ये 5 मिनट में हो भी जाएंगे, और अगर मैं इसके फीडर को फुल कर दिया फिर तो ये एक बार में यहाँ पर हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सही बात होगी। तो फटाफट से इन सबको यहाँ पर मैं खाना पीना दे देता हूँ, और ये लोग वीट खाते हैं तो वीट ही हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। और वेट मुझे यार क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाले जो बर्ड्स है वो वीट नहीं खाती है,
तो गाइस एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाले जो बर्ड थे वो तो भाई वीट खाती है, मतलब यार ये कुछ भी नहीं खाती है, बस आप लोग पैसे दे दो इनका उनसे काम बन जाता है। तो खैर जब ये कुछ खाती नहीं है तो इनका यहाँ पर कुछ इशू है नहीं, तो मैं इधर के साइड पर चलता हूँ। और ये सारे मुर्गियाँ भाई साहब, यार एक मिनट, यहीं वाली मुर्गी हमसे मांगे जा रही थी या फिर नहीं? यार वही मैं सोचूँ कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनको खाना पीना यहाँ पर खिला रखा है, बट असली यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रहा है कि यहाँ पर इन मुर्गियों ने खाना पीना खाया ही नहीं? तो इनको मैं यहाँ पर खाना पीना मत दे देता हूँ, और आई थिंक यार इतना खाना इनको इनफ रहेगा, और 4 मिनट बाद हमें अपना सामान दे देगी। और इनको यहाँ पर खाना पीना दे करके, वैसे यहाँ पर इनको वीट खिलाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बस ये टर्की को खिलाने की ज़रूरत है, बस ये मुर्गी को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको यहाँ पर वीट नहीं दे रहा हूँ। तो अपना यहाँ पर खाना पीना मैंने छीट दिया है, और यहाँ पर भी डाल देते हैं, यहाँ पर भी भाई साहब 36 36, मतलब यार देख रहे हो भाई अपने पास वीट की भाई मैं कितने रोड़ों करके यहाँ पर कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो खैर अभी अपने पास वीट काफ़ी हद तक कम बचे हुए हैं, तो अभी एक काम करना है, यहाँ पर आकर के जहाँ से मैंने अपने खाना पीना नहीं बनाया था वहाँ से मैं यहाँ पर खाना पीना बनाना स्टार्ट करता हूँ। आई गेस मैंने यहाँ पर कासल से बनाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने कासल में लास्ट टाइम डाल दिया था, बट ये कासल के बगल वाले जो घर है इसमें मैंने यहाँ पर नहीं डाला था। और यहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म के मेरे को ओवन देखने के लिए मिले हैं जो कि काफ़ी हद तक सही लग रहे हैं। तो खैर यार हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और भाई साहब एक बार में आप लोग यहाँ पर देखना भाई अपने पास कितने हद तक यहाँ पर टिकट होने वाले। और वेट, यहाँ का भाई चूल्हा किधर है? तो मैं फ़िलहाल यहीं वाले चूल्हा लगाने वाला हूँ, और उसके बाद ना गाइस मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये वाले चूल्हा लगाने के बाद, मतलब अगर मुझे यहाँ पर डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा बाकी सारे चूल्हे को। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर दो ही चूल्हा लगा सकता हूँ, बट यार मुझे अलग कैटेगरीज के अगर चाहिए तो मैं अलग कैटेगरीज के यहाँ पर लगा दूँगा। तो ये वाला घर अपना हो गया। और वेट भाई, मैं गलती से पीछे की साइड से निकला हूँ, यार इनके भी भाई अलग ही चौंचले हैं। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर चूल्हा भाई साहब बैठ, देख रहे हो भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने हर एक घर में यहाँ पर चूल्हा लगा रखा है, बट यार मैंने तो भाई कुछ कुछ घर में लगाया ही नहीं, या फिर साथ से हो सकता है कि अपना चूल्हा चोरी तो नहीं हो गया। वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा चूल्हा चोरी, यार मैंने लगा रखे थे भाई, मैं डेफिनेटली कहता था कि मेरा चूल्हा चोरी हुआ है, मतलब यार ये सारे घर मेरे को कब के मिल चुके थे, बट यार अभी भी यहाँ पर चूल्हे नहीं हैं। इसका मतलब समझे दया, यहाँ पर कुछ तो मामला पानी गड़बड़ है, ऐसे यार नहीं होता है, चूल्हा भाई मेरा गायब हुआ है, मतलब कोई ना कोई तो होगा जो इस चूल्हे को चुरा करके गया होगा। तो मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई तो अपने फार्म पर यहाँ पर चुपके से आया था जब मैं यहाँ पर खेल नहीं रहा था, बट यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन था। और दूसरे वाले चूल्हे को यहाँ रख देते हैं, मतलब मैं रास्ते में भाई कैसे ही लगा था, तो यहाँ पर रख करके इनको भी खाना पीना मस्त बनने के लिए दे देते हैं। और ये हमसे बस 20 मांगे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दोबारा से वीट की आई थिंक यार कमी हो रखी है, तो अभी मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता अपने खाने पीने को, मतलब अभी तो मैं यहाँ पर खाना पीना बनने दे नहीं सकता हूँ। और ये बस अपना जैपनीज हाउस रह गया, और अगर इसके अंदर देखूँ इसके अंदर भाई चूल्हा है, बट बाकी सारे घर के अंदर चूल्हा नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भाई डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैंने हर एक घर में यहाँ पर लगा रखे थे। तो खैर अभी एक काम करते हैं, अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका ना, तो अभी मैं यहाँ पर चले आता हूँ। और यहाँ पर नगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे को करने क्या है। तो यहाँ पर मैं आ तो चुका हूँ, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जितने सारे आप लोग ये फ्लावर देख रहे हो, मुझे ये सारे सारे फ्लावर को रिसाइकिल करने हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी सारे लैंड को देख रहे हैं मैं ये लैंड को भी रिसाइकिल कर दूँगा, क्योंकि यार अब इस लैंड का मुझे कोई भी काम नहीं है। बट यार मुझे फिस वाले पार्क को भी यहाँ पर एक्सटेंड करने हैं, मतलब काफ़ी हद तक अच्छे यहाँ पर बनाने हैं, तो फिस पार्क को हम लोग यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर बना डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हो कि नहीं, तो इसको भी यहाँ पर रिसाइकिल करते चलते हैं। और आई थिंक यार इतना मैंने यहाँ पर रिसाइकिल कर लिया, इतने यहाँ पर काफ़ी होने चाहिए, तो इतने आई थिंक यहाँ पर काफ़ी तो होंगे। बट यार जैसे मैं यहाँ पर कुछ बनाना स्टार्ट करूँगा, तब यार अपने जितने सारे फिस वगैरह थे वो भाई तब यार यहाँ के साइड से भिड़ने वाले हैं, मतलब इस वाले एरिया से यहाँ पर भिड़ने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे गाइस यार ये सारे लैंड भी मुझे रिसाइकिल करने पड़ जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ से रिसाइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई साहब यार मुझे थोड़े से यहाँ पर लैंड को काट करके इनके लिए स्पेस तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे में इनका काम यहाँ पर होने वाला है नहीं। तो फिर यार ये सारी हरकतें मेरे को करनी पड़ रही है ज़बरदस्ती, जबकि मैं चाहता भी नहीं हूँ, बट यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग भाई अगले बार से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपना खंभा तो वहाँ पर है, तो अभी उसे इसी तरह रहने देते हैं। और अभी ना गाइस मुझे यहाँ से फीस लगाना स्टार्ट करना है, लेकिन यार मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन वाले फीस थे जो कि अपने यहाँ पर बाकी रह गए थे। तो फटाफट से मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ, आई थिंक यार मैंने सारे से सारे फीस तो लगा रखे हैं, यार ऐसे कौन से फीस यहाँ पर रह गए जो कि मैंने अभी तक लगाए नहीं, शायद से ये वाले, हाँ यार एग्जैक्टली यही वाले फीस है जो कि मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं लगाए।
तो फटाफट से इनको हम लोग यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई साहब यार देख रहे हो भाई, अपने पास यार पैसे इतने सारे हो रखे हैं कि भाई इनको लगाने में भाई अपने को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तो अभी नगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जितने मेरे से हो पाते हैं। वैसे यहाँ पर बाढ़ हाउस यहाँ पर बीच में अर रहे हैं, तो अभी मेरे को एक काम करना पड़ेगा, बाढ़ हाउस को मुझे थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करने पड़ेंगे। भाई तू चल ले, भाई तू थोड़ा सा पैर हाथ हिला ले। तो मैं बाढ़ हाउस को थोड़ी देर के लिए इस वाले एरिया में यहाँ पर दे देता हूँ, और आई थिंक यार इस वाले एरिया में यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो बाढ़ हाउस अपने इस वाले एरिया में यहाँ पर आ रखे हैं, और इनको भी मैं उठा करके ठीक यहीं पर रखने वाला हूँ। यार मैंने राइट क्लिक यहाँ पर छोड़ रखा है, तो अभी यहाँ पर मैंने दे दिया। मतलब राइट क्लिक छोड़ने का तात्पर्य ये था कि अभी मैं इसे, मतलब यार मैं फास्ट ट्रेवल यहाँ पर नहीं कर पा रहा था, मतलब स्पीड में यहाँ पर नहीं चल पा रहा था। तो अभी मैं इतना एरिया क्लियर कर चुका हूँ, तो इनको यहाँ पर मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि काफ़ी हद तक सही है। तो गाइस अब जा करके अपने यहाँ पर ये पूरे पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सही बात हो जाएगी। लेकिन यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहे कि अभी तक इसके क्वेस्ट आए क्यों नहीं। मतलब यार काफ़ी टाइम हो गया गेम को खेलते खेलते, बट अभी तक मैंने इसके क्वेस्ट को यहाँ पर देखा भी नहीं। तो गाइदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी यार अपने बाढ़ हाउस को छूने से भाई कोई फ़ायदा है नहीं। मुझे यार बाढ़ हाउस का कुछ तो यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ऐसे में तो यार अपना काम यहाँ पर होने वाला है नहीं। और यार यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी है, तो सबसे पहले काम करते हैं इससे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से रिसाइकिल कर दूँ, तो अपने को भाई देखते हैं कितना का लॉस हो पाता है। वैसे अपने पास फ्लावर की कैपेसिटी कुछ हद तक सही है, तो अगर मैं इसे यहाँ पर रिसाइकिल कर भी दूँ तो खैर कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। इसे यहाँ से रिसाइकिल कर ही देते हैं, मतलब यार क्या ही करेंगे इसको रख करके बेफिजूल के, क्योंकि वो अपने पास एक है ये सेल करने के लिए, तो मैं ज़्यादा उसे लगाना चाहता हूँ नहीं। तो आई थिंक यार अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है, और आई थिंक मुझे यहाँ पर और भी कुछ नहीं करने चाहिए। तो अब मैं इधर के साइड पर चलता हूँ, और यहाँ पर आप लोग जितने सारे ये पार्ट देख रहे हो, तो इनको मुझे यहाँ से रिसाइकिल करने हैं। फटाफट से इनको मैं रिसाइकिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइज़र फाइनली मैंने यहाँ के जितने भी सारे लैंड थे, जो कि फालतू के लैंड यहाँ पर पड़े हुए थे जिसका मुझे कोई काम था ही नहीं, तो उसको मैंने यहाँ से रिसाइकिल कर दिया है। और अब ना गाइज आई थिंक यार एक मिनट, अपने फिश से पहले क्या आता है, अपने फिश से पहले ये गार्डन आ रहे हैं। बट यार मैंने अभी तक गार्डन का काम यहाँ पर किया नहीं, क्योंकि मैंने सारे फ्लावर तो अभी तक लगाए भी नहीं। तो अभी मुझे यहाँ पर चल करके सबसे पहले इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर कैमरा एंगल बदल लेता हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो अभी जा करके मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूँ, मुझे इधर से कहीं चलने चाहिए। और वो जो आखिरी वाले पेड़ है मुझे उसको यहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि अपना कोई उसका थोड़ा सा काम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ट्रैक्टर निकाल करके इनको यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी ना गाइस मैं एक्सप्लेन करने वाला आप लोगों को कि यहाँ पर मैंने क्यों किया, मतलब अभी जो मैंने यहाँ पर हरकतें करी है तो उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था, वो हर एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और मुझे यहाँ पर 160 चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आराम आराम से इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। मतलब यार आराम आराम से करना काफ़ी ज़्यादा सही होता है, थोड़ा सा यार टाइम चले जाता है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। बट यार दिक्कत वाली बात तब हो जाती है जब यार यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ लगाने के लिए आ जाते हैं, तो यार मैं उतने यहाँ पर चीज़ें लगाना नहीं चाहता हूँ। तो आई थिंक यार अपना काम इतने में हो चुका है, तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अपने एनिमल वाले फार्म के बाद यहाँ पर जो अपने फार्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, वो अपने फिश वाले ही फार्म हैं। तो कहते हैं मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना डेकोरेशन होगा, वो अब मैं फिश वाले फार्म का डेकोरेशन यहाँ पर करने वाला हूँ। और इसी ने कहा एकदम से, मतलब पिछले वाले फार्म से भाई काफ़ी हद तक सही बनाने वाला हूँ। मतलब यार एक अलग से यहाँ पर वाइब्स आने वाली है, एक अलग से यहाँ पर मतलब यार लगने वाले कि भाई फिश वाले फार्म है। और मैंने यार डिसाइड किया, बट यार मैं एग्जैक्टली आप लोग को तो नहीं बता सकता कि मैं ये कब करूँगा, अगले वाले एपिसोड में करूँगा या फिर उसके बाद वाले एपिसोड में। बट यार इतना कह सकता हूँ कि मैं जल्दी करने वाला हूँ, और मे भी हो सकता है कि मैं अगले वाले एपिसोड में कर दूँ, बट यार मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा यार आप लोग यहाँ पर सब्र रखना, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करना स्टार्ट कर दूँगा। मतलब यार मैं मैपिंग वगैरह सब करना स्टार्ट कर दूँगा। वैसे मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर मैपिंग की है, मतलब कुछ हद तक मैंने यहाँ पर सोच रखा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनानी है। बट यार मुझे ट्रेन ट्रैक्स के यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे, अब अपने ट्रेन ट्रैक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर आनी चाहिए, और अपने फार्म को वो किस तरीके से टूर करवाने वाली है, वो हर एक चीज़ यहाँ पर मैं डिसाइड करके चलूँगा। तो इसीलिए गाइस मैं फिलहाल यहाँ पर इनके मैपिंग में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बस डिले होने वाली है, बाकी यार मैं इनके मैपिंग कर लूँगा। तो मुझे यार इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ट्रेन के ट्रैक्स का यहाँ पर कोई इशू नहीं होता ना, फिर मैं अभी के अभी यहाँ पर डेकोरेट कर देता। बट यार वो सारी चीज़ें मुझे, मतलब यार हर एक बात को ध्यान में रखते हुए बनानी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब जो भी बनाएंगे टाइम ले करके बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, ऐसे यार मैं फालतू में यार ये चीज़ें नहीं बनाने वाला हूँ। तो अभी ना आई थिंक यार इतना काम यहाँ पर हो चुका है, मैंने आप लोगों को आगे की स्प्लट दे दी है। तो आई थिंक यार बस आज के एपिसोड को बस इतना ही रखना चाहिए। और गाइस अगर अभी तक आप लोग मेरे एपिसोड को देख रहे हो, तो जाहिर सी बात यह है कि आप लोगों को एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है ना भाई,
तो प्लीज यार लाइक करके जाना अगर अभी तक आप लोग एपिसोड को देख रहे हो, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर पर आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, मतलब काफी हद तक सही सरप्राइजेज है। बस यार आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा दो फिर ना गाइस एक सरप्राइज मैं आप लोग को देता हूँ। मतलब भाई मैं जो बोलता हूँ भाई वो मैं दिल से करता हूँ, आप लोग यार इसकी टेंशन मत लेना। तो बस यार 1000 सब्सक्राइबर की बात है, बस यार काफी ज्यादा कड़ी है हम लोग उसे कंप्लीट करने में। तो भाई अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो भाई प्लीज जाकर सब्सक्राइब करवा लेना, कुछ तो यार मैंने आप लोग के लिए डिसाइड किया हूँ। तो आई थिंक यार वीडियो को इतना ही रखना चाहिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो में आया मजा तो आप लोग को पता है क्या करना है, तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।